हेलो एवरीवन, ये वीडियो में हम देखेंगे लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट को एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि हम लोग एलिमेंट जैसे एक्सेस करते हैं वो लीनियर फैशन में है। लिंक लिस्ट काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में यूज होता है। आप चाहे फ़ोन डायरेक्टरी ले लो, या अपने फ़ोन का कॉन्टेक्स्ट ले लो, वहाँ से लेके फेसबुक का जो ग्राफ बनता है, सब जगह पे लिंक लिस्ट यूज़ होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री भी इसी से बनता है और ग्राफ भी लिंक लिस्ट से ही बनता है। सो जैसे ही एक्सेस करते हैं उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि दिस इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होता है, तो मेमोरी का भी कोई इश्यू नहीं है। आपको जितना चाहिए, जितना बड़ा डेटा चाहिए या फिर जितना छोटा चाहिए, आप कर सकते हो यूजिंग लिंक लिस्ट। सो एरे से कंपेयर करें तो लिंक लिस्ट काफ़ी यूजफुल है। प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में वो काफ़ी यूज होता है। ये वीडियो में हम देखेंगे लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन, उसके बाद सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट एक टाइप है, वैसे ही डबली लिंक लिस्ट भी होता है। सिंगली लिंक लिस्ट में एक एड्रेस होता है, जबकि डबली में दो होता है। ये डबली लिंक लिस्ट इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। सो सिंगली लिंक लिस्ट में हम इसके ऑपरेशन देखेंगे, पुश पॉप जो स्टैक के ऑपरेशन है, वैसे ही गेट सेट इंसर्ट रिमूव रिवर्स, ये सारे ऑपरेशंस हम देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट होते हैं और कैसे काम करते हैं विथ एन एग्जांपल। जिसके बाद हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट। सो जब बात करें लिंक लिस्ट का, तो लिंक लिस्ट जैसे मैंने बताया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं? क्योंकि एलिमेंट्स है वो सीक्वेंशियली एक्सेस होते हैं, वो लीनियरली एक्सेस होते हैं, इसी वजह से इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। जबकि मेमोरी एलोकेशन है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है। जैसे ही आपको डेटा स्टोर करना है, आप मेमोरी एलोकेट करो और डेटा को स्टोर करो। जैसे कि हम एरे में करते हैं, पहले से 100 का एरे बना के रखना पड़ता है, वैसा चीज़ यहाँ पे नहीं होता है। आपको जब भी चाहिए आप मेमोरी एलोकेट करो, जब भी वो मेमोरी आप यूज़ नहीं कर रहे हो आप उसको रिलीज कर सकते हो। सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन विच एवरी एलिमेंट हैज़ अ लिंक टू इट्स नेक्स्ट एलिमेंट इन द सीक्वेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लिंक लिस्ट एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, उसमें एक है वो डेटा पार्ट है, दूसरा है वो एड्रेस है। एड्रेस किसका एड्रेस रहता है? नेक्स्ट नोड जो है लिस्ट में उसका एड्रेस रहता है। 1004 है वो उसका एड्रेस है जो मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। ऐसे ही वो चेन बनता जाता है, चेन बनता जाता है। जब हम लास्ट नोड तक पहुँचते हैं, यहाँ पे उसका एड्रेस में एड्रेस पार्ट में लिखते हैं नल। वो नल इंडिकेट करता है कि उसके आगे कोई भी नोड नहीं है। जबकि फर्स्ट नोड को लोकेट करने के लिए हम यूज करते हैं हेडर। हेडर फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है और वहां से ही वो चेंज स्टार्ट होता है। जब तक नहीं नल नहीं मिलता, तब तक वो लिस्ट कंटिन्यू होते जाता है। यह है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोड। जब हम बोले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो अपना नोड कैसा रहेगा? जिस सिंगली लिंक लिस्ट के नोड में एक डेटा पार्ट रहेगा जिसमें हम एक्चुअल डेटा स्टोर करेंगे। यहाँ पे हमने इंटीजर डेटा लिया हुआ है, तो इंटीजर स्टोर करेंगे। आप चाहिए तो स्ट्रिंग डेटा ले सकते हो, फ्लोट डेटा ले सकते हो, कोई भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। जबकि लिंक पार्ट है वो एड्रेस स्टोर करेगा। एड्रेस किसका एड्रेस होगा? ऐसे ही एक नोड का एड्रेस होगा जो वो यहाँ पे स्टोर करेगा। इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले कुछ इनिशियल सेटअप करने पड़ेंगे, जैसे कि हमें नोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये नोड है जो जैसे अपने हिसाब से जैसा डेटा स्टोर करना है वो हिसाब से स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने जैसे बताया मैंने इंटीजर डेटा लिया हुआ है, सो मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लूंगी, इसको मैं डेटा बताती हूँ। उसके बाद एक और वेरिएबल मैंने लिया हुआ है लिंक, जो कि मेरा पॉइंटर टाइप है। ये पॉइंटर कौन से टाइप का होगा? नोड टाइप का, क्योंकि ये जो पॉइंटर होगा उसमें नोड का एड्रेस स्टोर होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर लेती हूँ तो वो आपके नोड के एड्रेस को स्टोर नहीं करने देगा, इसी वजह से हमें लेना है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। हेडर, हेडर विल ऑलवेज पॉइंट टू फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। जब भी लिस्ट एम्प्टी होगा हेडर का वैल्यू नल होगा, इसी वजह से हमने हेडर को इनिशियलाइज किया हुआ है नल वैल्यू से। आगे देखते हैं पुश एंड पॉप ऑपरेशन। जब भी स्टैक एम्प्टी होगा, हम लोग लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टैक के जैसे, सो जिसमें आएगा पुश एंड पॉप ऑपरेशन। जब भी स्टैक एम्प्टी होगा डज मीन हेडर का वैल्यू नल होगा। नाउ हेडर की जगह पे हमने यहाँ पे लिया हुआ है टॉप, वी कैन रिफर इट एज अ टॉप, सो टॉप का वैल्यू नल होगा।
पुश ऑपरेशन है वो एक वैल्यू इंसर्ट करेगा लिंक लिस्ट पे, जबकि पॉप ऑपरेशन है वो निकालेगा लिंक लिस्ट से। ये पुश और पॉप ऑपरेशन सब बिगिनिंग और स्टार्टिंग में ही होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू है, पुश करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू को पुश करके वो ऊपर आता है, सबसे ऊपर। वैसे ही जैसे स्टैक में चलता है वैसे पॉप ऑपरेशन है, वो सबसे पहला एलिमेंट पहले बाहर निकालेगा और जो लास्ट में डाला हुआ वैल्यू है वो पहले बाहर जाएगा। एग्जाम्पल के साथ ये कोड देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है मेलॉक फंक्शन यूज करके, ये मैंने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया हुआ है नोड के लिए। उसके बाद मैंने नोड के डेटा में वैल्यू डाला जो हम लेके आए थे पुश फंक्शन के साथ, जिसको हमें स्टोर करना था। उसके बाद मैंने लिंक पार्ट में नल मूव करके रखा है, क्योंकि सी में गार्बेज वैल्यू का कंसेप्ट है। बेटर होगा कि हम नल मूव करके दें ताकि कोई गार्बेज वैल्यू को ये एड्रेस पॉइंट नहीं करे। जब फर्स्ट टाइम ये इंसर्ट करने आए हैं अगर, तो हेडर का वैल्यू नल होगा, उसका मतलब है कि ये टॉप का वैल्यू नल होगा। वो केस में हमें हेडर को ये नोड नए नोड का वैल्यू देना है, तो वही चीज हम कर रहे हैं। हेडर इक्वल टू एन, तो ये टॉप है, टॉप या फिर हेडर आप प्रेफर कर सकते हो, ये अपने नए नोड को पॉइंट करने लगा। जबकि बाकी के कोई भी इटरेशन में, कोई भी केस में, जब भी पुश के लिए आएंगे तो ये एल्स पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। जब भी सेकेंड वैल्यू 32 लेके आए तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वैसे ही मेमोरी एलोकेट होगा 32 के लिए, उसमें डेटा डालेंगे, नल डालेंगे, और एल्स पार्ट जब एग्जीक्यूट करने आते हैं तो 32 वो है, वो मेरा नया नोड है, उसके एड्रेस में अभी नल स्टोर किया हुआ है, उसको मुझे पॉइंट कराना है 25 वाले नोड पे। अभी 25 का एड्रेस है वो टॉप में डाला हुआ था, हेडर में डाला हुआ था, तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि नए नोड के लिंक पार्ट में आप एड्रेस डालो हेडर का या फिर टॉप का। तो ये वही चीज हुआ, हेडर का एड्रेस डाला, तो यहाँ पे ये अभी लिंक बन गया, ये एरो बन गया जो पॉइंट करेगा 25 वाले नोड पे। और ये करने के बाद हमें टॉप जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 25 को, उसकी जगह पे हमें उसको मूव करना है 32 पे पॉइंट कराने के लिए। वो चीज कर सकते हैं बाय राइटिंग हेडर इक्वल टू एन और टॉप इक्वल टू एन। तो अपना टॉप पे वैल्यू जो अभी डाला उस पे टॉप पॉइंट करने लगे। वैसे ही एक और वैल्यू डालते हैं तो उसके लिए भी else पार्ट एग्जीक्यूट होगा, if वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, if वाला पार्ट सिर्फ फर्स्ट वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जब 50 वाला वैल्यू लेके आएंगे तो वापस वही चीज चलेगा, 32 का जो एड्रेस है जो यहाँ पे टॉप पॉइंट करता था वो हम यहाँ पे 50 के एड्रेस फील्ड में कॉपी करेंगे, ताकि ये एरो जो ऊपर वाला एरो दिख रहा है वो बन जाए। उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे टॉप को टू पॉइंट टू अ न्यूली क्रिएटेड नोड, जिसको हम एन से रेफर करते हैं। सो हेडर इक्वल टू एन और यू कैन राइट इट एज टॉप इक्वल टू एन। तो ऐसे ही हमारा पुश चलता है। अगर और एक वैल्यू डालना है यू कैन इंसर्ट इट इन अ सेम वे। पॉप करने के लिए हर बार जो वैल्यू जहाँ पे टॉप पॉइंट करता है वो वैल्यू बाहर आएगा। हर बार पॉप करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हमें सिर्फ रिटर्न -1 करना है टू इंडिकेट दैट स्टैक इज एम्प्टी। पर अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमें कौन सा वैल्यू निकालना होगा जहाँ पे टॉप या फिर हेडर पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि पॉप ऑपरेशन हमेशा बिगिनिंग से वैल्यू निकालता है, स्टार्टिंग से वैल्यू निकालता है। सो पॉप ऑपरेशन के लिए एल्स पार्ट एग्जीक्यूट जब भी करेंगे तो हमें पी को एक पॉइंटर लेना है, जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे हेडर से, क्योंकि हमें रिटर्न भी तो करना है यहाँ से डेटा कि क्या हमने डिलीट किया। तो उसके लिए एक टेम्पररी वेरिएबल टी लिया और उसमें मैंने पी का डेटा स्टोर करके रख दिया कि ये डेटा अभी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे सिर्फ ये टॉप पॉइंटर को शिफ्ट करना है यहाँ पे 2.2 अ नेक्स्ट फील्ड। अभी टॉप को एड्रेस 50 का कहाँ से मिल सकता है, उसको एड्रेस मिल सकता है ये लिंक पार्ट से। सो वही चीज हमने किया हुआ है, पी ऑलरेडी यहाँ पे 99 को पॉइंट कर रहा है। सो पी का लिंक पार्ट में एड्रेस स्टोर किया हुआ है 50 का, जो हम हेडर में डाल देंगे ताकि टॉप है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, या फिर यू कैन से हेडर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। वो होने के बाद हम लोग सिर्फ जो हमने टेम्पररी वेरिएबल टी में डेटा स्टोर किया है जो डिलीट हो चुका है वो हम रिटर्न करेंगे इन ऑर्डर टू प्रिंट कि कौन सा डेटा डिलीट हुआ। वैसे ही हर एक डिलीशन के लिए ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जब लास्ट वैल्यू तक पहुंचेंगे
तो लास्ट वैल्यू के लिए भी ये नल वैल्यू यहाँ पे मूव हो जाएगा, क्योंकि हर बार हम पी का जो लिंक है वो टॉप में डालते हैं। ये हो गया अपना पुश और पॉप ऑपरेशन। आगे जाते हैं इंसर्ट एंड रिमूव ऑपरेशन। इंसर्ट एंड रिमूव है वो अपना एनक्यू डीक्यू ऑपरेशन है। इससे पहले जो पुश और पॉप किया वो हमने किया स्टैक के लिए, जबकि एनक्यू और डीक्यू है वो क्यू के ऑपरेशन है। इंसर्ट यहाँ पे इंसर्ट होता है रियर एंड पे, जबकि रिमूवल होता है और डिलीशन होता है वो होता है फ्रंट एंड पे। तो इंस्टेड ऑफ वन पॉइंटर यहाँ पे हमें दो पॉइंटर मेंटेन करना पड़ेगा। एक पॉइंटर फर्स्ट पे पॉइंट करेगा जो अपना फर्स्ट नोड है, जबकि दूसरा पॉइंटर है लास्ट नोड को इंडिकेट करेगा। इंसर्शन जब भी होगा वो रेयर एंड पे होगा, लास्ट में होगा, जबकि डिलीशन है वो हमेशा फ्रंट से होगा। सो फ्रंट पॉइंटर आगे चलता जाएगा और डिलीट करता जाएगा। इंसर्ट ऑपरेशन देखते हैं। यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है 10। फ्रंट और रेयर पहली बार ही इंसर्ट कर रही हूँ, फ्रंट और रेयर का वैल्यू नल होगा। मेमोरी एलोकेट किया मैंने 10 के लिए, और उसके बाद मैं डेटा डालूंगी, उसका लिंक डालूंगी। मेमोरी एलोकेट होने के बाद यूजिंग मैलोक ये मुझे एड्रेस मिल गया है 1024 का। अभी मैं चेक करती हूँ फ्रंट इक्वल इक्वल टू नल, और वो बताएगा ट्रू, क्योंकि अभी कोई भी वैल्यू डाला हुआ लिस्ट में नहीं है। सो फ्रंट इक्वल टू नल बताया, उसका मतलब मुझे फ्रंट और रियर दोनों को सेट करना पड़ेगा नए वैल्यू से, जो कि अपना नया क्रिएटेड नोड है एन। बाकी के आगे के सब इटरेशन के लिए ये एल्स पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। अभी हम डालने जाते हैं 20। तो 20 जो है वो लास्ट पे इंसर्ट होगा, रेयर एंड पे इंसर्ट होता है हमेशा। सो इसके लिए आगे हमने मेमोरी एलोकेट किया, डेटा वैल्यू डाला, और उसके बाद हम डालेंगे एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में हम लोग एक पॉइंटर सेट करते हैं जो पी है। पी हमने रेयर पे सेट किया हुआ है, मतलब कि इनिशियली पहले यहाँ पे पॉइंट करता था 10 वाले नोड पे। सो पी इज पॉइंटिंग टू नोड नंबर 10, क्योंकि हमें 10 का एड्रेस फील्ड अपडेट करना है, इसीलिए ये पॉइंटर लगेगा। अभी हम पी का लिंक पार्ट अपडेट करेंगे। पी का लिंक पार्ट में डालेंगे नए वैल्यू का एड्रेस, जो कि अपना 20 वाला नोड है। तो आ जाएगा ये 2024 और अपना ये लिंक बन जाएगा, ताकि हम लोग अभी ये एरे को ऐड कर पाए। उसके बाद रियर जो है रियर पॉइंट करने लगेगा लास्ट नोड को। वो कैसे करेगा, हम सिर्फ लिख देंगे रियर इक्वल टू एन, जो एन है अपना न्यूली क्रिएटेड नोड है, और अभी रियर जो 10 पे पहले पॉइंट करता था अभी वो 20 पे पॉइंट करेगा। अभी अगर एक और इंसर्ट का वैल्यू करना है तो इन दैट केस अभी हमारा रियर पॉइंट करता था 20 पे और फ्रंट है 10 पे। अभी मेमोरी अलोकेट होने के बाद इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाले पार्ट में जाएंगे डायरेक्टली। तो पी इक्वल टू रियर, पी पॉइंट करेगा 20 वाले नोड पे और यहाँ पे एड्रेस अपडेट करेगा। पी का लिंक पार्ट इक्वल टू न्यूली क्रिएटेड नोड, सो 3004 लिख गया ये एड्रेस से, अपना ये लिंक बन गया। उसके बाद हमें काम करना है रियर को शिफ्ट कराने का। सो रियर कहाँ पे शिफ्ट करेगा, वो शिफ्ट करेगा नए क्रिएटेड नोड पे। सो वी विल राइट रियर इक्वल टू एन, एंड रियर अभी लास्ट नोड पे पॉइंट करने लगा। वैसे ही रिमूव ऑपरेशन अगर करना है, रिमूवल हमेशा फ्रंट से होता है। सो हर बार हम एक वैल्यू को रिमूव करेंगे, फ्रंट को आगे पॉइंट कराना पड़ेगा। अभी जब बोलते हैं कि हम वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं, मतलब हमें सिर्फ फ्रंट को आगे शिफ्ट कराना है और अपना काम हो गया, बाकी कोई अपडेशन आएगा नहीं। आगे वाला जो नोड है, अगर आपको फ्री करना है आप फ्री कर सकते हो बाय मेकिंग यूज ऑफ फ्री फंक्शन। अगर आप नहीं भी करते हो तो वो एड्रेस पर पहुंचने के लिए और कोई जगह नहीं है। प्रोग्राम जब टर्मिनेट होगा उसका मेमोरी अपने आप डीएलोकेट हो जाएगा। वैसे ही रिमूव फंक्शन के लिए हमें हर बार चेक करना पड़ेगा बिफोर रिमूविंग कि क्यू एम्प्टी है या नहीं है। अगर क्यू एम्प्टी है तो हमें अप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट करना है और हमें रिटर्न करना है कंट्रोल को। अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो हमें सेकेंड कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि अगर फ्रंट और रियर दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट करते हैं, उसका मतलब कि हम जो एलिमेंट डिलीट करने वाले हैं वो लास्ट एलिमेंट है, और वो केस में हमें फ्रंट और रियर को नल सेट करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम ये चेक करते हैं, पहले प्रिंट करते हैं कौन सा वैल्यू डिलीट हुआ, उसके बाद हम फ्रंट और रियर को सेट करेंगे टू अ नल वैल्यू।
इफ नॉट, अगर मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लिस्ट में, दिस इज नॉट माई लास्ट एलिमेंट दैट आई एम गोइंग टू डिलीट, इन दैट केस ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जहाँ पे हम डेटा प्रिंट करते हैं कौन सा डेटा हमने डिलीट किया, और उसके बाद सिर्फ फ्रंट को मूव करते हैं। सबसे ईजी टास्क है ये, फ्रंट को शिफ्ट करते हैं टू पॉइंट टू अ लिंक पार्ट ऑफ पी। लिंक पार्ट ऑफ पी, पी इज अ नोड जिसका डेटा हमने डिलीट किया, सो पी वॉज पॉइंटिंग टू फ्रंट, तो उसका जो लिंक है उसमें एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का, तो वही हम पॉइंट करा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट इज पॉइंटिंग टू 20 एंड रियर इज पॉइंटिंग टू 30। वैसे ही एक बार और डिलीशन करते हैं, रियर और फ्रंट सेम नोड पे आ जाएगा। जब भी वो सेम नोड पे आता है ये else if वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और इस ये दोनों को बना देगा नल। वैसे ही रिवर्स लिस्ट करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा दो और पॉइंटर्स। हेडर है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है। नाउ रिवर्स लिस्ट करना है उसका मतलब हमें पूरा ये जो 10 है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा लास्ट एलिमेंट बन जाएगा, जबकि लास्ट एलिमेंट 30 है वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। हम चाहिए तो ये सब नोड्स का एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, पर ये चेंज करेंगे तो ये पूरा लिंक गड़बड़ हो सकता है, तो इसकी जगह पे हम सिर्फ ये एक 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 नोड के एड्रेस को अपडेट करते जाएंगे, रादर देन मूविंग ऑल द नोड्स और डीएलोकेटिंग फ्री मेमोरी फॉर ऑल द नोड्स। यहाँ पे हमने प्रीवियस, नेक्स्ट और करंट करके पॉइंटर्स लिए हुए हैं। प्रीवियस और नेक्स्ट को नल बनाया हुआ है फिलहाल, और करंट पॉइंट कर रहा है पहले नोड को। जब तक करंट नल नहीं होता तब तक ये लूप कंटिन्यू जाएगा। उसके बाद मैंने लिया हुआ है नेक्स्ट इक्वल टू करंट नेक्स्ट। ये क्या करेगा, ये सिर्फ नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, ताकि हम वहाँ का एड्रेस ले पाए और यहाँ पे वो अपडेट कर पाए। तो यहाँ पे 2024 है वो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट करने लगा है। अभी मैं करंट का नेक्स्ट अपडेट करूँगी, करंट का नेक्स्ट इज दिस पार्ट 2024, उससे मैं अपडेट करूँगी प्रीवियस से। प्रीवियस फिलहाल नल है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे नल वैल्यू मूव हो जाएगा, और उसके बाद प्रीवियस खुद को शिफ्ट कर देगा करंट पे, मतलब प्रीवियस अभी पॉइंट करने लगेगा यही 10 वाले नोड को। आप देख सकते हैं प्रीवियस ने शिफ्ट किया, अभी करंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं, आगे एक स्टेप बढ़ाएंगे। ये लिंक मैंने ब्रेक कर दिया है, अभी करंट को आगे बढ़ाएंगे। करंट जब आगे बढ़ेगा तो उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में नेक्स्ट भी आगे बढ़ेगा, उससे एक स्टेप। सो अभी भी करंट नॉट इक्वल टू नल है, सो नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट विल मूव अहेड, नेक्स्ट आगे जाएगा, 3004 पे जा रहा है वो। अभी यहाँ पे मुझे आना चाहिए एड्रेस 3004 वाला, तो वही चीज़ होगा। करंट का नेक्स्ट देख, करंट का नेक्स्ट है वो नेक्स्ट में आ गया है, मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अभी करंट का जो नेक्स्ट पार्ट है ये 3004 जो है उसको अपडेट करना है मुझे 1024 से। 1024 एड्रेस कहाँ पे स्टोर्ड है, प्रीवियस में, सो वही चीज़ हम कर रहे हैं। करंट का नेक्स्ट में हम डालेंगे प्रीवियस का वैल्यू, सो आप देख सकते हैं 3004 को मैंने रिप्लेस किया 1024 से। जब मैंने 1024 लिख दिया मतलब ये वाला लिंक बन गया, तो पहले जो 10 टू 20 था अभी वो 20 टू 10 हो गया। उसके बाद अपना यहाँ तक का काम हो गया है, हमें आगे जाना है, प्रीवियस को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस जब आगे बढ़ेगा तो करंट भी आगे बढ़ेगा, और करंट आगे बढ़ेगा तो नेक्स्ट भी आगे बढ़ेगा। बट अब नेक्स्ट पॉइंट करने लगा है नल को, पर अब तक करंट वो नल को पॉइंट नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगी, 30 में मुझे वैल्यू डालना है प्रीवियस नोड का, सो वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट को पहले शिफ्ट किया और फिर हम मूव करेंगे प्रीवियस का वैल्यू है वो करंट के नेक्स्ट में, ताकि ये नल रिप्लेस हो जाए 2024 से और ये लिंक बन जाए। जब एक बार ये लिंक बन गया मतलब अपना काम हो गया है। प्रीवियस को शिफ्ट करेंगे, प्रीवियस जब शिफ्ट होगा तो करंट भी शिफ्ट होगा, और करंट इस बार नल को पॉइंट करेगा। अभी जब करंट नल को पॉइंट करता है तो वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जब वाइल लूप टर्मिनेट होगा तब हमें हेडर को मूव कराना है टू अ लास्ट नोड। तो लास्ट नोड पे अभी मुझे मिलेगा प्रीवियस, प्रीवियस जो वैल्यू स्टोर कर रहा है वो है लास्ट नोड का, जो पहले लास्ट नोड था अभी वो फर्स्ट नोड बन गया है।
सो हम सिर्फ लिख देंगे हेडर इक्वल टू प्रीवियस और उसकी वजह से हेडर पूरा शिफ्ट कर देगा टू दिस। और यहाँ से हमने रिवर्स लिंक ऑलरेडी बना चुके हैं, सो ये हो गया अपना रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट। उसके बाद मुझे बनाने हैं गेट और सेट ऑपरेशन। सो गेट मेथड इज यूज टू गेट द डेटा स्टोर्ड एट स्पेसिफिक पोजिशन, जबकि सेट वाला है मेथड वो सेट करेगा डेटा पर्टिकुलर लोकेशन पे। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर मुझे पोजीशन चाहिए कि मेरे पास 10 एलिमेंट्स का लिंक लिस्ट है, उसमें से मुझे थर्ड पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है वो मुझे चेक करना है, तो मैं पोजीशन का वैल्यू 3 पास करूंगी। यहाँ पे मैंने काउंटर लिया हुआ है, काउंटर हर बार एक एक पोजीशन जब भी मूव करेंगे तो इंक्रीमेंट होता जाएगा, और हो सकता है कि मेरे पास 10 एलिमेंट का लिस्ट है और मैं मांग रही हूँ 15th एलिमेंट, तो वो केस में लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगा पर काउंट पहुंचा नहीं होगा। तो वो केस के लिए हमने लिखा हुआ है पी नॉट इक्वल टू नल। अगर पी नल बन जाता है तो ये वाइल लूप कंटिन्यू मत करो और सिर्फ प्रिंट कर दो कि हमें नहीं मिला है। अगर ये वाइल लूप टर्मिनेट होता है बिकॉज ऑफ दिस काउंट, अगर हम काउंट पे पहुंच गए हैं इसी वजह से टर्मिनेट होता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा काउंट इक्वल इक्वल टू पोज, और वो केस में हमें प्रिंट कर देना है जो भी डेटा जहाँ पे भी पी पॉइंट करता है। तो हमें डेटा मिल गया एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। वैसे ही सेट ऑपरेशन में बस सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ पे हम जो प्रिंट करा रहे थे उसकी जगह पे डेटा सेट कराएंगे, बाकी ये कंडीशन जो काउंटिंग वाला है, पी नॉट इक्वल टू नल वाला है, कंपैरिजन, इंक्रीमेंटेशन, वो सब चीज़ें सेम रहेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ लिख दूंगी पी का डेटा इक्वल टू वैल्यू, और ये जो नया वैल्यू लेके आए थे वो ओवरराइड कर देगा प्रीवियस वैल्यू। अभी देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एन एलिमेंट। तो यह इसका हर एक का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक इंसर्शन के लिए एक यूनिट ऑफ टाइम जाएगा, और हम बोल सकते हैं एन यूनिट ऑफ टाइम जाएगा एन इंसर्शंस और डिलीशंस के लिए। सो यह हमने देख लिया लिंक लिस्ट का पुश फंक्शन, पॉप फंक्शन, एन क्यू डी क्यू के लिए इंसर्ट रिमूव देखा, रिवर्सिंग अ लिस्ट देखा। लिंक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, काफ़ी जगह पे यूज होता है, ट्री में यूज होता है, ग्राफ में यूज होता है, आप छोटे से छोटा एप्लीकेशन ले लो वहाँ पे भी लिंक लिस्ट यूज होता है, आपके फोन में मोबाइल के कॉन्टेक्स्ट से लेके डिक्शनरी तक, डायरेक्टरी तक, एवरीवेयर लिंक लिस्ट इज वेरी यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, ये वीडियो में हम देखेंगे लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट को एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्योंकि हम लोग एलिमेंट जैसे एक्सेस करते हैं वो लीनियर फैशन में है। लिंक लिस्ट काफ़ी सारी एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, आप चाहे फ़ोन डायरेक्टरी ले लो या अपने फ़ोन का कॉन्टेक्स्ट ले लो, वहाँ से लेके फेसबुक का जो ग्राफ बनता है, सब जगह पे लिंक लिस्ट यूज़ होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, ट्री भी इसी से बनता है और ग्राफ भी लिंक लिस्ट से ही बनता है। सो जैसे ही एक्सेस करते हैं उसके हिसाब से हम बोलते हैं कि दिस इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट होता है, तो मेमोरी का भी कोई इश्यू नहीं है, आपको जितना चाहिए, जितना बड़ा डेटा चाहिए या फिर जितना छोटा चाहिए आप कर सकते हो यूजिंग लिंक लिस्ट। सो एरे से कंपेयर करें तो लिंक लिस्ट काफ़ी यूजफुल है, प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में वो काफ़ी यूज होता है। ये वीडियो में हम देखेंगे लिंक लिस्ट का इंट्रोडक्शन, उसके बाद सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट एक टाइप है, वैसे ही डबली लिंक लिस्ट भी होता है। सिंगली लिंक लिस्ट में एक एड्रेस होता है जबकि डबली में दो होता है। ये डबली लिंक लिस्ट इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। सो सिंगली लिंक लिस्ट में हम इसके ऑपरेशंस देखेंगे, पुश पॉप जो स्टैक के ऑपरेशंस है, वैसे ही गेट, सेट, इंसर्ट, रिमूव, रिवर्स, ये सारे ऑपरेशंस हम देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट होते हैं और कैसे काम करते हैं विथ एन एग्जाम्पल, जिसके बाद हम देखेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सिंगली लिंक लिस्ट। सो जब बात करें लिंक लिस्ट का, तो लिंक लिस्ट जैसे मैंने बताया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं? क्योंकि एलिमेंट्स है वो सीक्वेंशियली एक्सेस होते हैं, वो लीनियरली एक्सेस होते हैं, इसी वजह से इसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। जबकि मेमोरी एलोकेशन है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, जैसे ही आपको डेटा स्टोर करना है आप मेमोरी एलोकेट करो और डेटा को स्टोर करो,
जैसे कि हम एरे में करते हैं, पहले से 100 का एरे बना के रखना पड़ता है, वैसा चीज यहाँ पे नहीं होता है। आपको जब भी चाहिए आप मेमोरी एलोकेट करो, जब भी वो मेमोरी आप यूज नहीं कर रहे हो आप उसको रिलीज कर सकते हो। सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स इन विच एवरी एलिमेंट हैज अ लिंक टू इट्स नेक्स्ट एलिमेंट इन द सीक्वेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लिंक लिस्ट एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है उसमें एक है वो डेटा पार्ट है, दूसरा है वो एड्रेस है। एड्रेस किसका एड्रेस रहता है? नेक्स्ट नोड जो है लिस्ट में उसका एड्रेस रहता है। 1004 है वो उसका एड्रेस है जो मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ है। ऐसे ही वो चेन बनता जाता है, चेन बनता जाता है। जब हम लास्ट नोड तक पहुंचते हैं यहाँ पे उसका एड्रेस में एड्रेस पार्ट में लिखते हैं नल। वो नल इंडिकेट करता है कि उसके आगे कोई भी नोड नहीं है, जबकि फर्स्ट नोड को लोकेट करने के लिए हम यूज करते हैं हेडर। हेडर फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है और वहां से ही वो चेन स्टार्ट होता है। जब तक नहीं नल नहीं मिलता तब तक वो लिस्ट कंटिन्यू होते जाता है। यह है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नोड। जब हम बोले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो अपना नोड कैसा रहेगा? जिस सिंगली लिंक लिस्ट के नोड में एक डेटा पार्ट रहेगा जिसमें हम एक्चुअल डेटा स्टोर करेंगे। यहाँ पे हमने इंटीजर डेटा लिया हुआ है तो इंटीजर स्टोर करेंगे। आप चाहिए तो स्ट्रिंग डेटा ले सकते हो, फ्लोट डेटा ले सकते हो, कोई भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। जबकि लिंक पार्ट है वो एड्रेस स्टोर करेगा। एड्रेस किसका एड्रेस होगा? ऐसे ही एक नोड का एड्रेस होगा जो वो यहाँ पे स्टोर करेगा। इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले कुछ इनिशियल सेटअप करने पड़ेंगे, जैसे कि हमें नोड बनाना पड़ेगा क्योंकि ये नोड है जो जैसे अपने हिसाब से जैसा डेटा स्टोर करना है वो हिसाब से स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ता है। यहाँ पे मैंने जैसे बताया मैंने इंटीजर डेटा लिया हुआ है, सो मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लूंगी, इसको मैं डेटा बताती हूँ। उसके बाद एक और वेरिएबल मैंने लिया हुआ है लिंक, जो कि मेरा पॉइंटर टाइप है। ये पॉइंटर कौन से टाइप का होगा? नोड टाइप का, क्योंकि ये जो पॉइंटर होगा उसमें नोड का एड्रेस स्टोर होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर लेती हूँ तो वो आपके नोड के एड्रेस को स्टोर नहीं करने देगा, इसी वजह से हमें लेना है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। हेडर, हेडर विल ऑलवेज पॉइंट टू फर्स्ट नोड इन द लिस्ट। जब भी लिस्ट एम्प्टी होगा हेडर का वैल्यू नल होगा, इसी वजह से हमने हेडर को इनिशियलाइज किया हुआ है नल वैल्यू से। आगे देखते हैं पुश एंड पॉप ऑपरेशन। जब भी स्टैक एम्प्टी होगा, हम लोग लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्टैक के जैसे, सो जिसमें आएगा पुश एंड पॉप ऑपरेशन। जब भी स्टैक एम्प्टी होगा डज मीन हेडर का वैल्यू नल होगा। नाउ हेडर की जगह पे हमने यहाँ पे लिया हुआ है टॉप, वी कैन रिफर इट एज अ टॉप, सो टॉप का वैल्यू नल होगा। पुश ऑपरेशन है वो एक वैल्यू इंसर्ट करेगा लिंक लिस्ट पे, जबकि पॉप ऑपरेशन है वो निकालेगा लिंक लिस्ट से। ये पुश और पॉप ऑपरेशन सब बिगिनिंग और स्टार्टिंग में ही होते हैं। जैसे कि फर्स्ट वैल्यू है पुश करते हैं तो फर्स्ट वैल्यू को पुश करके वो ऊपर आता है सबसे ऊपर, वैसे ही जैसे स्टैक में चलता है वैसे पॉप ऑपरेशन है वो सबसे पहला एलिमेंट पहले बाहर निकालेगा और जो लास्ट में डाला हुआ वैल्यू है वो पहले बाहर जाएगा। एग्जाम्पल के साथ ये कोड देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है मेलॉक फंक्शन यूज करके, ये मैंने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया हुआ है नोड के लिए। उसके बाद मैंने नोड के डेटा में वैल्यू डाला जो हम लेके आए थे पुश फंक्शन के साथ, जिसको हमें स्टोर करना था। उसके बाद मैंने लिंक पार्ट में नल मूव करके रखा है क्योंकि सी में गार्बेज वैल्यू का कंसेप्ट है, बेटर होगा कि हम नल मूव करके दें ताकि कोई गार्बेज वैल्यू को ये एड्रेस पॉइंट नहीं करे। जब फर्स्ट टाइम ये इंसर्ट करने आए हैं अगर तो हेडर का वैल्यू नल होगा, उसका मतलब है कि ये टॉप का वैल्यू नल होगा। वो केस में हमें हेडर को ये नए नोड का वैल्यू देना है, तो वही चीज हम कर रहे हैं। हेडर इक्वल टू एन, तो ये टॉप है, टॉप या फिर हेडर आप प्रेफर कर सकते हो, ये अपने नए नोड को पॉइंट करने लगा। जबकि बाकी के कोई भी इटरेशन में कोई भी केस में जब भी पुश के लिए आएंगे तो ये एल्स पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। जब भी सेकेंड वैल्यू 32 लेके आए तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, वैसे ही मेमोरी एलोकेट होगा 32 के लिए, उसमें डेटा डालेंगे नल डालेंगे। और एल्स पार्ट जब एग्जीक्यूट करने आते हैं तो 32 वो है वो मेरा नया नोड है, उसके एड्रेस में अभी नल स्टोर किया हुआ है, उसको मुझे पॉइंट कराना है 25 वाले नोड पे। अभी 25 का एड्रेस है वो टॉप में डाला हुआ था, हेडर में डाला हुआ था,
तो हम लोग सीधा लिख सकते हैं कि नए नोड के लिंक पार्ट में आप एड्रेस डालो हेडर का या फिर टॉप का। तो ये वही चीज हुआ, हेडर का एड्रेस डाला, तो यहाँ पे ये अभी लिंक बन गया, ये एरो बन गया जो पॉइंट करेगा 25 वाले नोड पे। और ये करने के बाद हमें टॉप जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है 25 को, उसकी जगह पे हमें उसको मूव करना है 32 पे पॉइंट कराने के लिए। वो चीज कर सकते हैं बाय राइटिंग हेडर इक्वल टू एन और टॉप इक्वल टू एन। तो अपना टॉप पे वैल्यू जो अभी डाला उस पे टॉप पॉइंट करने लगेगा। वैसे ही एक और वैल्यू डालते हैं तो उसके लिए भी एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ वाला पार्ट सिर्फ फर्स्ट वैल्यू के लिए एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जब 50 वाला वैल्यू लेके आएंगे तो वापस वही चीज चलेगा, 32 का जो एड्रेस है जो यहाँ पे टॉप पॉइंट करता था वो हम यहाँ पे 50 के एड्रेस फील्ड में कॉपी करेंगे, ताकि ये एरो जो ऊपर वाला एरो दिख रहा है वो बन जाए। उसके बाद हम लोग शिफ्ट करेंगे टॉप को टू पॉइंट टू अ न्यूली क्रिएटेड नोड जिसको हम एन से रेफर करते हैं। सो हेडर इक्वल टू एन और यू कैन राइट इट एज टॉप इक्वल टू एन। तो ऐसे ही हमारा पुश चलता है। अगर और एक वैल्यू डालना है यू कैन इंसर्ट इट इन अ सेम वे। पॉप करने के लिए हर बार जो वैल्यू जहाँ पे टॉप पॉइंट करता है वो वैल्यू बाहर आएगा। हर बार पॉप करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि स्टैक एम्प्टी है या नहीं है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हमें सिर्फ रिटर्न -1 करना है टू इंडिकेट दैट स्टैक इज एम्प्टी। पर अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो हमें कौन सा वैल्यू निकालना होगा जहाँ पे टॉप या फिर हेडर पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि पॉप ऑपरेशन हमेशा बिगिनिंग से वैल्यू निकालता है, स्टार्टिंग से वैल्यू निकालता है। सो पॉप ऑपरेशन के लिए एल्स पार्ट एग्जीक्यूट जब भी करेंगे तो हमें पी को एक पॉइंटर लेना है जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे हेडर से, क्योंकि हमें रिटर्न भी तो करना है यहाँ से डेटा कि क्या हमने डिलीट किया। तो उसके लिए एक टेम्पररी वेरिएबल टी लिया और उसमें मैंने पी का डेटा स्टोर करके रख दिया कि ये डेटा अभी डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मुझे सिर्फ ये टॉप पॉइंटर को शिफ्ट करना है यहाँ पे 2.2 अ नेक्स्ट फील्ड। अभी टॉप को एड्रेस 50 का कहाँ से मिल सकता है, उसको एड्रेस मिल सकता है ये लिंक पार्ट से। सो वही चीज हमने किया हुआ है, पी ऑलरेडी यहाँ पे 99 को पॉइंट कर रहा है। सो पी का लिंक पार्ट में एड्रेस स्टोर किया हुआ है 50 का, जो हम हेडर में डाल देंगे ताकि टॉप है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, या फिर यू कैन से हेडर यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। वो होने के बाद हम लोग सिर्फ जो हमने टेम्पररी वेरिएबल टी में डेटा स्टोर किया है जो डिलीट हो चुका है वो हम रिटर्न करेंगे इन ऑर्डर टू प्रिंट कि कौन सा डेटा डिलीट हुआ। वैसे ही हर एक डिलीशन के लिए ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। जब लास्ट वैल्यू तक पहुंचेंगे तो लास्ट वैल्यू के लिए भी ये नल वैल्यू यहाँ पे मूव हो जाएगा, क्योंकि हर बार हम पी का जो लिंक है वो टॉप में डालते हैं। ये हो गया अपना पुश और पॉप ऑपरेशन। आगे जाते हैं इंसर्ट एंड रिमूव ऑपरेशन। इंसर्ट एंड रिमूव है वो अपना एनक्यू डीक्यू ऑपरेशन है। इससे पहले जो पुश और पॉप किया वो हमने किया स्टैक के लिए, जबकि एनक्यू और डीक्यू है वो क्यू के ऑपरेशन है। इंसर्ट यहाँ पे इंसर्ट होता है रियर एंड पे, जबकि रिमूवल होता है और डिलीशन होता है वो होता है फ्रंट एंड पे। तो इंस्टेड ऑफ वन पॉइंटर यहाँ पे हमें दो पॉइंटर मेंटेन करना पड़ेगा। एक पॉइंटर फर्स्ट पे पॉइंट करेगा जो अपना फर्स्ट नोड है, जबकि दूसरा पॉइंटर है लास्ट नोड को इंडिकेट करेगा। इंसर्शन जब भी होगा वो रेयर एंड पे होगा, लास्ट में होगा, जबकि डिलीशन है वो हमेशा फ्रंट से होगा। सो फ्रंट पॉइंटर आगे चलता जाएगा और डिलीट करता जाएगा। इंसर्ट ऑपरेशन देखते हैं। यहाँ पे मुझे इंसर्ट करना है 10। फ्रंट और रेयर पहली बार ही इंसर्ट कर रही हूँ, फ्रंट और रेयर का वैल्यू नल होगा। मेमोरी एलोकेट किया मैंने 10 के लिए और उसके बाद मैं डेटा डालूंगी, उसका लिंक डालूंगी मेमोरी एलोकेट होने के बाद यूजिंग मैलॉक। ये मुझे एड्रेस मिल गया है 1024 का। अभी मैं चेक करती हूँ फ्रंट इक्वल टू नल और वो बताएगा ट्रू, क्योंकि अभी कोई भी वैल्यू डाला हुआ लिस्ट में नहीं है। सो फ्रंट इक्वल टू नल बताया, उसका मतलब मुझे फ्रंट और रियर दोनों को सेट करना पड़ेगा नए वैल्यू से, जो कि अपना नया क्रिएटेड नोड है एन। बाकी के आगे के सब इटरेशन के लिए ये एल्स पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। अभी हम डालने जाते हैं 20। तो 20 जो है वो लास्ट पे इंसर्ट होगा, रेयर एंड पे इंसर्ट होता है हमेशा। सो इसके लिए आगे हमने मेमोरी एलोकेट किया, डेटा वैल्यू डाला और उसके बाद हम डालेंगे एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में हम लोग
एक पॉइंटर सेट करते हैं जो पी है, पी हमने रेयर पे सेट किया हुआ है, मतलब कि इनिशियली पहले यहाँ पे पॉइंट करता था 10 वाले नोड पे, सो पी इज पॉइंटिंग टू नोड नंबर 10, क्योंकि हमें 10 का एड्रेस फील्ड अपडेट करना है इसीलिए ये पॉइंटर लगेगा। अभी हम पी का लिंक पार्ट अपडेट करेंगे, पी का लिंक पार्ट में डालेंगे नए वैल्यू का एड्रेस जो कि अपना 20 वाला नोड है, तो आ जाएगा ये 2024 और अपना ये लिंक बन जाएगा ताकि हम लोग अभी ये एरे को ऐड कर पाए। उसके बाद रियर जो है रियर पॉइंट करने लगेगा लास्ट नोड को। वो कैसे करेगा, हम सिर्फ लिख देंगे रियर इक्वल टू एन, जो एन है अपना न्यूली क्रिएटेड नोड है और अभी रियर जो 10 पे पहले पॉइंट करता था अभी वो 20 पे पॉइंट करेगा। अभी अगर एक और इंसर्ट का वैल्यू करना है तो इन दैट केस अभी हमारा रियर पॉइंट करता था 20 पे और फ्रंट है 10 पे, अभी मेमोरी अलोकेट होने के बाद इफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एल्स वाले पार्ट में जाएंगे डायरेक्टली, तो पी इक्वल टू रियर, पी पॉइंट करेगा 20 वाले नोड पे और यहाँ पे एड्रेस अपडेट करेगा, पी का लिंक पार्ट इक्वल टू न्यूली क्रिएटेड नोड, सो 3004 लिख गया ये एड्रेस से, अपना ये लिंक बन गया। उसके बाद हमें काम करना है रियर को शिफ्ट कराने का, सो रियर कहाँ पे शिफ्ट करेगा, वो शिफ्ट करेगा नए क्रिएटेड नोड पे, सो वी विल राइट रियर इक्वल टू एन एंड रियर अभी लास्ट नोड पे पॉइंट करने लगा। वैसे ही रिमूव ऑपरेशन अगर करना है, रिमूवल हमेशा फ्रंट से होता है, सो हर बार हम एक वैल्यू को रिमूव करेंगे फ्रंट को आगे पॉइंट कराना पड़ेगा। अभी जब बोलते हैं कि हम वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं मतलब हमें सिर्फ फ्रंट को आगे शिफ्ट कराना है और अपना काम हो गया, बाकी कोई अपडेशन आएगा नहीं। आगे वाला जो नोड है अगर आपको फ्री करना है आप फ्री कर सकते हो बाय मेकिंग यूज ऑफ फ्री फंक्शन, अगर आप नहीं भी करते हो तो वो एड्रेस पर पहुंचने के लिए और कोई जगह नहीं है, प्रोग्राम जब टर्मिनेट होगा उसका मेमोरी अपने आप डीएलोकेट हो जाएगा। वैसे ही रिमूव फंक्शन के लिए हमें हर बार चेक करना पड़ेगा बिफोर रिमूविंग कि क्यू एम्प्टी है या नहीं है, अगर क्यू एम्प्टी है तो हमें अप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट करना है और हमें रिटर्न करना है कंट्रोल को, अगर क्यू एम्प्टी नहीं है तो हमें सेकेंड कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि अगर फ्रंट और रियर दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट करते हैं उसका मतलब कि हम जो एलिमेंट डिलीट करने वाले हैं वो लास्ट एलिमेंट है और वो केस में हमें फ्रंट और रियर को नल सेट करना पड़ेगा, तो इसी वजह से हम ये चेक करते हैं, पहले प्रिंट करते हैं कौन सा वैल्यू डिलीट हुआ, उसके बाद हम फ्रंट और रियर को सेट करेंगे टू अ नल वैल्यू। इफ़ नॉट, अगर मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं लिस्ट में, दिस इज़ नॉट माई लास्ट एलिमेंट दैट आई एम गोइंग टू डिलीट, इन दैट केस ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा जहाँ पे हम डेटा प्रिंट करते हैं कौन सा डेटा हमने डिलीट किया और उसके बाद सिर्फ फ्रंट को मूव करते हैं, सबसे इजी टास्क है ये, फ्रंट को शिफ्ट करते हैं टू पॉइंट टू अ लिंक पार्ट ऑफ पी, लिंक पार्ट ऑफ पी, पी इज़ अ नोड जिसका डेटा हमने डिलीट किया, सो पी वॉज पॉइंटिंग टू फ्रंट, तो उसका जो लिंक है उसमें एड्रेस होगा नेक्स्ट नोड का, तो वही हम पॉइंट करा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट इज पॉइंटिंग टू 20 एंड रियर इज पॉइंटिंग टू 30। वैसे ही एक बार और डिलीशन करते हैं, रियर और फ्रंट सेम नोड पे आ जाएगा, जब भी वो सेम नोड पे आता है ये else if वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और इस ये दोनों को बना देगा नल। वैसे ही रिवर्स लिस्ट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा दो और पॉइंटर्स, हेडर है जो फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है, नाउ रिवर्स लिस्ट करना है उसका मतलब हमें पूरा ये जो 10 है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा लास्ट एलिमेंट बन जाएगा, जबकि लास्ट एलिमेंट 30 है वो मेरा फर्स्ट एलिमेंट बन जाएगा। हम चाहिए तो ये सब नोड्स का एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, पर ये चेंज करेंगे तो ये पूरा लिंक गड़बड़ हो सकता है, तो इसकी जगह पे हम सिर्फ ये एक 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 नोड के एड्रेस को अपडेट करते जाएंगे रादर देन मूविंग ऑल द नोड्स और डीएलोकेटिंग फ्री मेमोरी फॉर ऑल द नोड्स। यहाँ पे हमने प्रीवियस, नेक्स्ट और करंट करके पॉइंटर्स लिए हुए हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट को नल बनाया हुआ है फिलहाल और करंट पॉइंट कर रहा है पहले नोड को, जब तक करंट नल नहीं होता तब तक ये लूप कंटिन्यू जाएगा। उसके बाद मैंने लिया हुआ है नेक्स्ट इक्वल टू करंट नेक्स्ट, ये क्या करेगा, ये सिर्फ
नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, ताकि हम वहां का एड्रेस ले पाए और यहाँ पे वो अपडेट कर पाए। तो यहाँ पे 2024 है, वो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट करने लगा है। अभी मैं करंट का नेक्स्ट अपडेट करूँगी, करंट का नेक्स्ट इज दिस पार्ट 2024, उससे मैं अपडेट करूँगी प्रीवियस से। प्रीवियस फिलहाल नल है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे नल वैल्यू मूव हो जाएगा और उसके बाद प्रीवियस खुद को शिफ्ट कर देगा करंट पे। मतलब प्रीवियस अभी पॉइंट करने लगेगा यही 10 वाले नोड को। आप देख सकते हैं प्रीवियस ने शिफ्ट किया, अभी करंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं। आगे एक स्टेप बढ़ाएंगे, ये लिंक मैंने ब्रेक कर दिया है, अभी करंट को आगे बढ़ाएंगे। करंट जब आगे बढ़ेगा तो उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन में नेक्स्ट भी आगे बढ़ेगा, उससे एक स्टेप। सो अभी भी करंट नॉट इक्वल टू नल है, सो नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट विल मूव अहेड, नेक्स्ट आगे जाएगा, 3004 पे जा रहा है वो। अभी यहाँ पे मुझे आना चाहिए एड्रेस 3004 वाला, तो वही चीज होगा। करंट का नेक्स्ट देख, करंट का नेक्स्ट है वो नेक्स्ट में आ गया, मतलब यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अभी करंट का जो नेक्स्ट पार्ट है ये 3004 जो है उसको अपडेट करना है मुझे 1024 से। 1024 एड्रेस कहाँ पे स्टोर्ड है? प्रीवियस में। सो वही चीज हम कर रहे हैं, करंट का नेक्स्ट में हम डालेंगे प्रीवियस का वैल्यू। सो आप देख सकते हैं 3004 को मैंने रिप्लेस किया 1024 से। जब मैंने 1024 लिख दिया मतलब ये वाला लिंक बन गया, तो पहले जो 10 to 20 था अभी वो 20 to 10 हो गया। उसके बाद अपना यहाँ तक का काम हो गया है, हमें आगे जाना है, प्रीवियस को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस जब आगे बढ़ेगा तो करंट भी आगे बढ़ेगा, और करंट आगे बढ़ेगा तो नेक्स्ट भी आगे बढ़ेगा। बट अब नेक्स्ट पॉइंट करने लगा है नल को, पर अब तक करंट वो नल को पॉइंट नहीं कर रहा है। सो यहाँ पे मैं वैल्यू डालूंगी, 30 में मुझे वैल्यू डालना है प्रीवियस नोड का। सो वही चीज करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट को पहले शिफ्ट किया और फिर हम मूव करेंगे प्रीवियस का वैल्यू है वो करंट के नेक्स्ट में, ताकि ये नल रिप्लेस हो जाए 2024 से और ये लिंक बन जाए। जब एक बार ये लिंक बन गया मतलब अपना काम हो गया है, प्रीवियस को शिफ्ट करेंगे। प्रीवियस जब शिफ्ट होगा तो करंट भी शिफ्ट होगा, और करंट इस बार नल को पॉइंट करेगा। अभी जब करंट नल को पॉइंट करता है तो वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। जब वाइल लूप टर्मिनेट होगा तब हमें हेडर को मूव कराना है टू अ लास्ट नोड। तो लास्ट नोड पे अभी मुझे मिलेगा प्रीवियस, प्रीवियस जो वैल्यू स्टोर कर रहा है वो है लास्ट नोड का, जो पहले लास्ट नोड था अभी वो फर्स्ट नोड बन गया है। सो हम सिर्फ लिख देंगे हेडर इक्वल टू प्रीवियस, और उसकी वजह से हेडर पूरा शिफ्ट कर देगा टू दिस। और यहाँ से हमने रिवर्स लिंक ऑलरेडी बना चुके हैं, सो ये हो गया अपना रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट। उसके बाद मुझे बनाने हैं गेट और सेट ऑपरेशन। सो गेट मेथड इज यूज टू गेट द डेटा स्टोर्ड एट स्पेसिफिक पोजीशन, जबकि सेट वाला है मेथड वो सेट करेगा डेटा पर्टिकुलर लोकेशन पे। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर मुझे पोजीशन चाहिए कि मेरे पास 10 एलिमेंट्स का लिंक लिस्ट है, उसमें से मुझे थर्ड पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है वो मुझे चेक करना है, तो मैं पोजीशन का वैल्यू 3 पास करूंगी। यहाँ पे मैंने काउंटर लिया हुआ है, काउंटर हर बार एक एक पोजीशन जब भी मूव करेंगे तो इंक्रीमेंट होता जाएगा। और हो सकता है कि मेरे पास 10 एलिमेंट का लिस्ट है और मैं मांग रही हूँ 15th एलिमेंट, तो वो केस में लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगा पर काउंट पहुंचा नहीं होगा। तो वो केस के लिए हमने लिखा हुआ है पी नॉट इक्वल टू नल। अगर पी नल बन जाता है तो ये वाइल लूप कंटिन्यू मत करो और सिर्फ प्रिंट कर दो कि हमें नहीं मिला है। अगर ये वाइल लूप टर्मिनेट होता है बिकॉज ऑफ दिस काउंट, अगर हम काउंट पे पहुंच गए हैं इसी वजह से टर्मिनेट होता है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा काउंट इक्वल इक्वल टू पोज, और वो केस में हमें प्रिंट कर देना है जो भी डेटा जहाँ पे भी पी पॉइंट करता है। तो हमें डेटा मिल गया एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। वैसे ही सेट ऑपरेशन में बस सिर्फ इतना चेंज है कि यहाँ पे हम जो प्रिंट करा रहे थे उसकी जगह पे डेटा सेट कराएंगे। बाकी ये कंडीशन जो काउंटिंग वाला है, पी नॉट इक्वल टू नल वाला है, कंपैरिजन, इंक्रीमेंटेशन, वो सब चीजें सेम रहेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ लिख दूंगी पी का डेटा इक्वल टू वैल्यू, और ये जो नया वैल्यू लेके आए थे वो ओवरराइड कर देगा प्रीवियस वैल्यू को।
अभी देखते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग एन एलिमेंट। तो यह इसका हर एक का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक इंसर्शन के लिए एक यूनिट ऑफ टाइम जाएगा, और हम बोल सकते हैं एन यूनिट ऑफ टाइम जाएगा एन इंसर्शंस और डिलीशंस के लिए। सो यह हमने देख लिया लिंक लिस्ट का पुश फंक्शन, पॉप फंक्शन, एन क्यू डी क्यू के लिए इंसर्ट रिमूव देखा, रिवर्सिंग अ लिस्ट देखा। लिंक लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, ट्री में यूज़ होता है, ग्राफ में यूज़ होता है। आप छोटे से छोटा एप्लीकेशन ले लो, वहाँ पे भी लिंक लिस्ट यूज़ होता है। आपके फ़ोन में मोबाइल के कॉन्टेक्स्ट से लेके डिक्शनरी तक, डायरेक्टरी तक, एवरीवेयर लिंक लिस्ट इज़ वेरी यूजफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।